ये हूँ मैं ध्रुव शर्मा कैन इम्प्रूव कबीर इसे बैड बॉय बनना है डेस्परेट मास्टर सुसु इसकी बस एक प्रॉब्लम ये कलर ब्लाइंड ये है छवि उपाध्याय बेसिकली आउट ऑफ माय लीग ये है मेरी फ्रेंड्स कितना लकी है तू ये एज में टू व्हीलर मिली है वरना हम जब 16 इयर्स के थे सब जगह वॉकिंग जाते थे एक्साइटेड हाँ लेकिन ये घर से स्कूल स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से घर तक के लिए है हाँ और संडे को मेरी शॉपिंग के लिए और पेट्रोल पॉकेट मनी में एडजस्ट कर लेना और दोस्तों को मत चलाने देना अरे कबीर को दे सकता है ही इज अ गुड बॉय हट पे चुप और सबसे जरूरी बात ट्यूशन के बाद चाट खाने के बहाने लड़के घुमाने मत ले जाना आप उसे आइडियाज देना तो बंद करो मैं तो ऐसे ही मस्त करता इससे कौन सी लड़की बनती ये दीदी की है मैंने बाइक मांगी थी पापा स्कूटी लड़कियां चलाती है अरे कहां लिखा है इस पे लड़कियां चलाती है ठीक है इन्होंने लिखा भी तो क्या हुआ वो टमाटर बिचकाने वाली फिल्म में जब कटरीना ने बुलेट चलाई थी तब तो बड़ा खुश हो रहा था तू तो स्कूटी क्यों नहीं चला सकता ये पिंक है मेरी फ्रेंड सर्कल में सब मजाक उड़ाएंगे कौन सा फ्रेंड सर्कल दो तो दोस्त है तेरे सेमी सर्कल बोला कर हां और उनमें से तो एक को पता भी नहीं चलेगा कौन से कलर की है ये किसकी बात कर रहे मैं नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा मतलब 4,500 रुपए खर्चे किए हैं रिपेयरिंग पे चुपचाप चला मैंने बोला था रिपेयर करवाने अरे तू ही तो बोलता था कोचिंग के लिए लेट हो जाऊंगा टू व्हीलर दिला दो घर का काम हो जाएगा टू व्हीलर दिला दो पापा मैंने बाइक मांगी थी समझ क्यों नहीं आता आपको नमस्ते कैसे हैं अब तो इम्प्रूवमेंट आ गया ध्रुव बेटा अभी स्कूटी पे हाथ साफ कर ले उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब बाइक पक्का दिला झूठ कॉलेज में जाऊंगा तो बोलोगे ग्रेजुएशन कर ले फिर दे दूंगा फिर बोलोगे शादी कर ले दहेज में आ जाएगी अरे नहीं देनी है तो डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते आप सॉरी मैं गलत साइड पे आ गई आइए कोई बात आइए आराम से बेटा एज पता है तुझे स्कूल में है तू अभी तो मैं स्कूल में हूं तो मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या तेरे जैसे नालायक को तो कुछ लेके भी नहीं देना चाहिए चुपचाप अंदर चल सब लोग देख रहे हैं हां तो देखने दो ना सबको पता चले कि सोसाइटी के चेयरपर्सन मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ मिसेस शर्मा अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करते क्योंकि सारा प्यार तो अपनी बेटी को दे दिया ना उन्होंने मुझे तो बस बैठकर दिन भर चूतिया बनाते रहते हैं एक नंबर के कंजूस मक्की चूस नालायक फैमिली मेंबर है जिस दिन मुझे बाइक मिल जाएगी ना उस दिन इसी का गोला इसी की तुम्हें लगी तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं लगी ये तुम्हारा बैग हल्का सा ही तो है पक्का ना यू फाइन हाँ हाँ बिल्कुल चल चल मैंने तुम्हारा गोला भी गिरा दिया Can I buy you one? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं ये एवरेज सही था वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम भी क्लास बंक करती हो क्यों मैं बंक नहीं कर सकती क्या नहीं तुम तो लड़की हो ना मतलब हमारे क्लास की लड़कियां कहाँ बंक करती है नहीं नहीं बंक तो करेंगी वैसे भी पढ़ लिख कर क्या ही फायदा है हाँ। शादी के बाद किचन ही संभालना है ना नहीं नहीं अरे मेरा वो मतलब नहीं था तो क्या था यार तुम्हारा बैग बहुत भारी है मुझे शायद चक्कर आ रहा है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अरे रिलैक्स kidding funny okay I'll see you tomorrow then वो नंदिनी मेरा वेट कर रही है ना we'll get late for the movie बोलना यार मैं नहीं बता रहा बताना तो ग्रुप का पहला बंदा जिसने मेकआउट किया कैसा था कितनी देर चला दर्द हुआ क्या A gentleman never kisses and tells. 3.5 minutes. अबे कोई मेकआउट वेकआउट नहीं किया इसने फेंक रहा है दादा बोर्ड्स के वक्त बोल रहा था कि लड़की ने डेट के लिए पूछ लिया डेट के लिए पूछ लिया वो लड़की डेट पूछ रही थी एग्जाम के लिए चीटिया बनाता रहता सब अबे ओए कल शाम मॉल के हैंडीकैप वॉशरूम में मेरे भाई को मारा ये सही नहीं किया उसने चल चल उसके पापा को कंप्लेंट करते चल अबे वो मेंटल इसे लव बाइट कहते हैं हिकी कब कब बोलेगा बर्थडे पे हाँ सही प्लान है
निक्कर पहन के ना स्कूल में टॉफियां बांटना, सब हैप्पी बर्थडे गाएंगे और पापा तो बाइक गिफ्ट रैप करके दे देंगे। चलो भाई फिर तो सब सॉर्टेड है। अबे चूतिए, हर चीज के लिए बर्थडे का इंतजार करेगा क्या? मम्मी पापा से कुछ भी मांग सकते हैं, बस तेरा रीजन सही होना चाहिए। मैंने स्पोर्ट्स डे की तैयारी के नाम पे फीफा 17 ले लिया था। अब सुन, मेरा कहा मानेगा ना, गारंटी बाइक तेरी। तो स्टेप नंबर वन, इंडियन पेरेंट्स ना हेट दी एफ वर्ड फन। तू ना कंप्यूटर सीएस खेलने के लिए मांगेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन साइंस प्रोजेक्ट के नाम पे मांगेगा तो चांस है। तो ना उन्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तू बाइक पे थोड़ा सा भी इंजॉय करने वाला है। क्या स्टेप नंबर टू, पेरेंट्स की डिक्शनरी में बच्चे ने फोन नहीं उठाया मतलब बच्चा किडनैप। सिमिलरली बाइक चलाया मतलब एक्सीडेंट। तो तुझे उन्हें भरोसा दिलाना है कि सेफ्टी इज योर मिडिल नेम। स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो क्या हुआ? हेलमेट तो हमेशा पहनना चाहिए, ऑलवेज। अबे श्रवण कुमार को ना खुद ट्रैक पे जाना था, पर उसे पता था कि मम्मी पापा परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए वो उन्हें फैमिली यात्रा पे ले गया। तो अब आखिरी स्टेप, ये बाइक तो सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए मांगेगा। ये वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मेरे बारे में इनको क्यों मैम? एक मिनट, और सिर्फ इसके बारे में क्यों, हम दोनों के बारे में क्यों नहीं? तुम दोनों भी, सॉरी मैम। यार पूजा तुम तो बड़ी फेमस हो यार। जी मैम, आपने अब पुलिस बुला ही ली है तो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में फुल हेल्प करूंगा। एक्चुअली हम तीनों ना कल आपके ऑफिस में चोरी करने आए थे। क्या? सर सर मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, लेकिन क्या प्लीज मेरी सजा कम करवा दीजिए सर। कितने की चोरी की तुमने? सर हम तो सिर्फ छाया का फोन लेने आए थे, और सर कसम से इस ड्रॉअर पे ना ताला लगा हुआ था, हमने कुछ नहीं लिया। अंधेरी में कोई पुलिस स्टेशन होगा ना सर? थाने तो बहुत दूर है, पापा को भी नहीं बोला मैंने। यार पूजा, मुझे लगा तुम स्कूल में काम करती हो, कितना बोरिंग काम होगा यार, तो बड़ा एक्साइटमेंट है। हाँ यूजुअली बोरिंग ही होता है बेबी, पर लगता तुमको देखकर काफी एक्साइटमेंट आई है बेबी। हाँ, ओ मीट माय फियांसे धीरज, आई मेट हिम व्हेन ही गॉट माय स्टोलन फोन बैक। मतलब हम यहाँ पर फालतू में कन्फेस करने आ गए।